यूरोपियन यूनियन के देशों ने सदस्य देशों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी। वहां की सरकारों ने कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद यह फैसला लिया, जिसके बाद कई लोग जर्मनी से एक विमान के जरिए स्पेन पहुंचे। सभी यात्रियों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी बरती और मास्क लगाए हुए नजर आए। एयरपोर्ट पर सभी यात्री एक दूसरे से दूरी बनाते हुए विमान से उतरे, जिसके बाद इन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। स्पेन पहुंचे कुछ पर्यटकों ने खुशी जताते हुए कोरोना वायरस से नहीं डरने का दावा किया। No, I'm not feared. I feel healthy enough to survive any type of virus. लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद पेरिस में भी लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक रेलवे स्टेशन के बाहर कई लोग एक कतार में खड़े दिखे। स्टेशन पर कई स्क्रीन भी लगाई गईं, जिनकी मदद से लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में किसानों ने खाद से लदे दो ट्रकों को लूट लिया। बताया गया कि लाखों रुपए की ये खाद सहकारी सोसाइटी के जरिए किसानों को बेची जानी थी, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने इन ट्रकों में लदी बोरियों को लूट लिया। कई किसान इन ट्रकों को घेर कर खड़े हो गए, जबकि कुछ किसान ट्रक पर चढ़कर खाद की बोरियां नीचे खड़े लोगों को देते रहे। काफी देर तक बीच सड़क पर इसी तरह लूटपाट चलती रही। किसी ने भी किसानों को नहीं रोका और किसान भी आराम से ट्रकों से बोरियां उतारते रहे। थोड़ी देर बाद खाद की बोरियों से लदा पूरा ट्रक खाली हो गया, जबकि सड़क पर भी खाद की बोरियों के ढेर नजर आए। हालांकि जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। पर्यवेक्षक को भेजकर इसकी विस्तृत जांच करें, तो जांच करने के उपरांत यदि इस प्रकार का कोई मामला हो तो तत्काल संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दायर करें।